देख बिना ब्रेक डाउनलोड टक ऐप कश्मीर और वहां के युवाओं को वापस मुख्यधारा से जोड़ने की भारत की हर कोशिश पाकिस्तान को चुभती है क्योंकि उसको डर है कि उसका एजेंडा कहीं फेल ना हो जाए। इसी कड़ी में पाकिस्तान ने प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल बिपिन रावत के एक बयान पर बौखलाहट दिखाई है। उसने सीडीएस रावत के रायसीना डायलॉग में दिए गए बयान की आलोचना की है। जनरल रावत ने कश्मीर घाटी में युवाओं को कट्टरपंथ से मुक्ति दिलाने के लिए एक शिविर चलाने का सुझाव दिया था। दरअसल नई दिल्ली में आयोजित रायसीना डायलॉग 2020 को संबोधित करते हुए जनरल रावत ने पाकिस्तान का स्पष्ट संदर्भ देते हुए कहा था कि आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले देशों को आतंक निरोधक संस्था FATF की काली सूची में डालने तथा कूटनीतिक रूप से अलग थलग करने की जरूरत है। जनरल रावत ने कश्मीर के हालात का जिक्र करते हुए कहा था कि घाटी में 10 और 12 साल के लड़के लड़कियों को कट्टरपंथी बनाया जा रहा है जो चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इन लोगों को धीरे धीरे कट्टरपंथ से अलग किया जा सकता है, हालांकि ऐसे भी लोग हैं जो पूरी तरह से कट्टरपंथी हो चुके हैं। इन लोगों को अलग से कट्टरपंथ से मुक्ति दिलाने वाले शिविर में ले जाने की आवश्यकता है। An end to terrorism, and that can only happen the way the Americans started after 9/11. They said, let's go on a spree on global war on terror and let the nations join together and fight terrorism together. Well, to do that, what you have to do? You have to isolate the terrorists. Anybody who's sponsoring terrorism has to be taken to task. You cannot have partners who are partnering with you in the global war on terror and yet sponsoring proxies and terror. जनरल रावत के इस बयान से पाकिस्तान परेशान है और उसके विदेश विभाग ने एक बयान भी जारी किया है। इससे पहले पाकिस्तान सेनाध्यक्ष जनरल मनोज मुकुंद नरवणे के बयान पर भी अपनी बौखलाहट दिखा चुका है। सेना प्रमुख ने कहा था कि भारत को नियंत्रण रेखा के पार एहतियातन हमला करने का अधिकार है। भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने कहा था कि अगर संसद चाहे तो POK पर भी कार्रवाई करेंगे। सेना प्रमुख के इस बयान के बाद अब पाकिस्तान को POK जाने का डर सताने लगा है और बौखलाहट में वो इधर भभकी दे रहा है। पाकिस्तान ने कहा कि पाकिस्तान सशस्त्र बल किसी भी तरह की भारतीय कार्रवाई का जवाब देने के लिए पूरी तरह तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।